ओम शांति ओम शांति मीठे बहन भाई ओम शांति वंडरफुल वंडरफुल मीठे लाडले बच्चे अब मैं बाबा को क्या बोलूं बाबा लाडले बच्चे तुम्हारी तो ये रूहानी याद की यात्रा तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो पश्चिम सदा खुशी सदा खुशी किन बच्चों को रहती है आस्थाई खुशी न रहने का कारण क्या है किनको रहती है पर आस्थाई खुशी न रहने का कारण क्या है वो तो जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से मम्म टोर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से टोर, बाप टोर से को याद करते हैं उन्हें ही आस्थाई खुशी रहती है जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते अवस्था ठंडी हो जाती है उनकी खुशी आस्थाई नहीं रहती है माया के तूफान आते अवस्था ठंडी हो जाती है तो खुशी आता ही नहीं दूसरा जब तक भविष्य इन नाखों से नहीं दिखाई पड़ती तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती भविष्य राजाई क्या मिलने वाला है तो खुशी कायम नहीं रह सकते गीत हमें उन राहों पर चलना है अब समझो बाबा ने कितनी डांस कराई होंगे बोली पर ओम शांति ये बाप कहते बच्चों हैं ये तो समझने की बातें हैं इतने बच्चे अब देखो बाबा क्या कह रहा है इतने बच्चे सवाजा पिता ब्रह्मा के और किसको होता ही नहीं है सवाजा पिता ब्रह्मा के इतने बच्चे किसको नहीं होते हैं कृष्ण को कभी पिजा पिता नहीं कहा जाता नाम गाया हुआ है ना पिज्जा पिता ब्रह्मा जो हो करके गए है वो इस समय प्रेजेंट है पिजा पिता ब्रह्मा जिसका गायन है इसमें प्रेजेंट है, है ना प्रेजेंट होके हो गया नहीं प्रेजेंट है तो प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमार ढेर है यह प्रजा पिता ब्रह्मा के औलाद तो प्रजा पिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना बच्चे जानते हैं हमारा दाता दादा परम पिता परमात्मा शिव है हम अब नई दुनिया रच रहे हैं अतः पुरानी दुनिया को नहीं बना रहे हैं इस पुरानी दुनिया में ये तन भी पुराना है ये पुरानी दुनिया में ये तन भी पुराने हैं नई दुनिया में सत्योप्रधान नए तन होते हैं वे कैसे होते हैं देखो लक्ष्मी नारायण को यह नई दुनिया के नए तन इनों की महिमा भारतवासी जानते हैं ये सब नई दुनिया नए विश्व के मालिक नई दुनिया जो थी वह पुरानी है चौरासी जन्म लेने पड़ते हैं न इसका भी पूरा हिसाब है कौन पूरे चौरासी जन्म लेते हैं इसका भी हिसाब कौन है जो पूरा पूरे चौरासी जन्म लेते हैं सब तो नहीं लेते हैं चौरासी जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिसका आज से अंतक पाठ है जो पहले सृष्टि पर थे एक बात लाडले बच्चों को हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते ये तो निराका परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में व्य समझाते हैं बल्लारी उनकी है वह नहीं समझाते हम कुछ भी नहीं जानते हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे अब रचता और रचना के आदि मध्य को जानना है हु इज हु जानना है हु इज़ हु इस, इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पारधारी कौन कौन है यवनाशी बना बना ड्रामा में गाते भी है बनी बनाई बन रही अब कुछ नहीं बन रही ना है। गायन भक्ति मार्ग में भी करते हैं तो ये अभी समझाया जाता है ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है बाबर समझाते हैं अभी ये पूरा हुआ ये गीता की लाइन चलती है बाबर समझाते हैं लादे बच्चे तुम जान गए हो तुमको यात्रा पर चलना है मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं अभी तो एरोप्लेन ट्रेन आज बहुत सैज निकली है आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे चलते चलते तूफान लगते थे मनुष्य बेहाल हो जाते थे पर कोई वापस लौटाते थे तो आधा कलप द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं भगवान को ढूंढने भगवान कहीं बैठा तो नहीं है भगवान के जर्चित्र चित्र पूजे जाते हैं जो होकर जाते हैं उनके जर्चित्र चित्र बनाते हैं चैतन में तो भगवान मिल न सके समझा चैतन में तो भगवान मिल न सके शिवलिंगा ये सब जर्चित्र चित्र है जर्चित्र चित्र को देखने के लिए यात्रा करते हैं एक भक्ति मार्ग की रस्म है जानते हैं परंतु कोई जानते हैं पर कोई के बायोग्राफी को कब नहीं जानते हैं ये कौन है कब आए थे चित्रों को देखते जानते कौन है कब आए थे शिव जयंती मनाई जाती है उनको जानते नहीं है आजकल तो इस उत्सव तो तो को भी ओढ़ा दिया है कि उनका नाम रूपाज प्रायलोप होना ही है अभी तुम जानते हो उंच ते ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है सागर से ज्ञान मिल रहा है वही बेहद का बाप प्रैक्टिकल में है अमरनाथ भी शिव बाबा है ना दिखाते बर्फ का लिंग बन जाता है मनुष्यों को ठगने के लिए गपूरे बहुत लगाए हैं। बर्फ कालिंग बन जाता है अमरनाथ पर तो उस जिसमानी यात्रा पर तकलीफ बहुत होती है ये है रूहानी यात्रा है इसमें शरीर की कोई तकलीफ नहीं है तुम बच्चे समझते हो हम बेद के बाप के बच्चे हैं। तकलीफ कोई नहीं है तो समझा है हम बेद के बाप के बच्चे हैं भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं, अब स्मृति आई है जिसको याद करते आई है बाप कहते हैं तुम टेस्ट से ढूंढते ढूंढते उतरते गए वेद शास्त्र भक्ति मार्ग में पढ़ते गिरते आए हो पहले एकदम करी नौदा भक्ति करी नौदा भक्ति करते हैं बहुत फिर भी दुनिया को तबों पर जरूर बनना ही है झार वृद्धि को पाता है जरूर एक एक भी मनुष्य वापस मेरे साथ नहीं आ सकता मेरे पास नहीं आ सकता झार वृद्धि को पाता है फिर मेरे पास बीच में कोई आ नहीं सकता नाटक में सबको अपना पार बजाना है सत्तों जो तबों में आना एक बार बैठ के ड्रामा की सारी नॉलेज अंदर रिवाइज करना चाहिए वंडरफुल है सबको पार पर बजाना है ड्रामा में जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है क्योंकि इनको ही फिर नंबर वन नंबर वन लक्ष्मी नारायण सत्योप्रदान थे तमोपदान है जिसमें ही शिव बाबा ने प्रवेश किया है क्यों इनको ही फिर नंबर वन बनना है प्लस में माँ को रखते हैं माताओं को लिफ्ट देनी होती है पहले लक्ष्मी फिर नारायण माताओं का नाम ऊंचा किया जाता है क्यों अभी सुनो माता सदी व पतिवीरता में रहती है पुरुष का पत्नी वता में नहीं रहते है <laughs> बाबा खुली सभा में बोल देता है समझ पतिवीरता में रहती है वो पत्नी वीरता में नहीं रहते हैं वंदे मातरम कहा जाता है इसे तुम बाप के बने हो तो तुम हो जाती हो ब्रह्मा कुमार कुमारी माता गुरु बिगर कभी किसका उद्धार होता नहीं है गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है गुरु तो बहुत ढेर के ढेर है फिर भी कल घोर घोरध्या हो गया है कितने गुरु उई हैं कहाँ कहाँ हरिद्वार आदमी उनके मंदिर बने हुए हैं नहीं तो वा तो मंदिर उनको कहा जाता है गुरुओं का भी मंदिर है समझा अभी नहीं तो वा तो मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है मंदिरों में तो देवता ही रहते हैं जो उनके आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है अब इन महात्माओं की भला आत्मा पौत्र है शरीर पौत्र मिल नहीं सकता क्यों तत् दमो प्रधान है अभी तुम देवता बन रहे हो बनाने वाला है परमपिता परमात्मा ये भूल तो नहीं जाते सारे दिन में हम देवता बन रहे हैं बनाने वाला है परमपिता परमात्मा यह सतोपदान संन्यास वह रजो प्रधान संन्यास ये बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके तो बाबा ने समझाया है कि वह है बानी यात्रा यह है रूहानी यात्रा तीन चार बारी बाबा ने आजमोली पर यात्रा पर समझाया है इसमें कर्म इंद्रियों का कोई काम नहीं है कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है वो सहज है वह बानी यात्रा अनेक प्रकार की है ये रूहानी एक ही यात्रा है यह राज्य ही लेने के लिए यात्रा यह राज्य ही लेने के लिए यात्रा ये लक्ष्मी नारायण का चंद्र सामने खड़ा है दुनिया थोड़ी जानती है इन्होंने राज्य योग की यात्रा से यह पद पाया हुआ है राज्य योग की यात्रा से यह पद पाया है तुम बच्चे जानते हो इन्होंने ये पद कैसे पाई कोई ऊपर से नहीं आत्माएं तो नहीं आई जिनको भगवान ने राजा ही दे दी नहीं इनों को पुराने से नया बनाया हुआ है जिसको रिजुविनेट व काया कलपत्रु कहा जाता है तो बाबा समझाते है इन्होंने रूहानी यात्रा की है भान आता है हमने हम रूहानी यात्रा पर है बताओ हम रूहानी यात्रा पर है बाबा ने सारा टाइम मूली में ध्यान खींचवा है इन्होंने रूहानी यात्रा की थी राजयोग बल से यात्रा से ये बने राज्य योग बल की यात्रा से ये बने हैं बाप राजयोग ज्ञान सिखाने आते हैं तुम्हारी यात्रा चल रही है तुम बैठे हुए अथवा तो चलते फिरते उठते बैठते यात्रा पर हो चलते फिरते उठते बैठते सदा दवाई सुन रहे हो नोट सुन नहीं लो ऐसे ऐसे करो तुम सब बुद्धि से बाप की याद करते हो याद से दौरी पहनते हो तो तुम्हारे नाश होते हैं याद से दौरी पहनते हो जिसमें विक्रम नाश होते हैं जितना जल्दी विक्रम विनाश होंगे जितना जल्दी विक्रमनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे तुम अब चार धाम आदि नहीं करते हो जितना ये याद रख रहा सारा दिन जितना जल्दी विक्रमनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे वह चार धाम आदि नहीं करते हो वह तो सब भक्ति मार्ग जिस्मानी तीर्थों पर जाकर वहां से फिर लौटा करके घर में विक्रम बनते हैं जितना समय यात्रा पर रहते हैं उतना समय निर्विकारी रहते हैं आज तो हर द्वार के में भी जाकर देखो पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं मैंने आंखों से देखा है हर द्वार में जाएंगे यात्रा पर कंड में जाएंगे गंदे बनने के लिए देखा वैश्य बैठिए वहाँ। क्या गंदगी है जितना समय यात्रा पर रहते हैं, तो निर्विकारी रहते हैं अगर हरिद्वार में देखो देखो, देखो पंडे लोग बड़े गंदे रहते हैं लोग यात्रा पर जाते हैं पवित्र रहते हैं वहां के रहवासी पंडे लोग अपवतर रहते हैं तो मई यात्रा कितनी स्वच्छ है देखो एक सेकंड शांत तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है कुछ भी धक्का नहीं खाना ताली नहीं बजाओ इसमें प्रैक्टिकल अनुभव करो कुछ भी धक्का नहीं खाना है बाप के दिलाले बच्चे उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो ये आत्माओं से बात कर रहे हैं आत्मा इन द्वारा सुनती है आत्मा मुख से बोलती है आंखों से देखती है आत्मा मुख से बोलती है आंखों से देखती है आत्माएं इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है न परमात्मा दिखाई पड़ता है दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता समझा जाता है तब तो कहते हमारे में आत्मा है हमारी आत्मा दुखी है हमारा हमारी आत्मा ईश्वर चुजा लेती है आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं परमात्मा भी आत्माओं से बात करते हैं हे लाले बच्चे आत्मा अब तुमको मेरे पास आना है मैं तुमको यात्रा सिखलाता हूँ तुम पौत्र बनने सिवाय मेरे पास नहीं आ सकते हो पहले पहले आत्मा सत्यो प्रधान है फिर सत्यो रजोतमो गुनी होती है शरीर भी सत्यो रजोतमो होता है सत्यो प्रधान को गौरा तमो प्रधान को सावरा कहा जाता है कितनी समझ की बात है तुम जानते हो आत्माएं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल अब फिर आकर के मिले हैं मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे आत्मा आत्माओं के साथ मिलेंगे पर परमात्मा भी वहाँ मिलेगा मनुष्य मनुष्य के साथ मिलेंगे आत्मा आत्माओं के साथ मिलेंगे परमात्मा विवाह मिलेंगे आत्मा और परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है जो व्यति सूक्षम है स्टार है कोई भी शैन घमंडी नहीं जो कह सके आत्मा कैसे प्रवेश होती है इन बातों का उनको बिल्कुल पता नहीं है मोस्ट बिलवेड बाप है भक्ति मार्ग में आधा कल भगवान को याद करते हैं भगत और ऐसे नहीं कि सब भगवान है सब भगवान हो सब भगवान है सब भगवान हो तो आराधना वंदना साधना क्यों करते हैं आराधना अब ये शब्द बाबा पता नहीं कहाँ से आराधना वंदना साधना क्यों करते हैं किस लिए करते हैं सब मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं क्यों यहाँ दुखी है चाहते शांति हो पर विचारों के पता नहीं शांति धाम किसको कहा जाता है जानित है सुनाते बैठो ना बीस घंटा भी सुनाने से पूरा नहीं कितना भी सुन इतना ज्ञान अच्छा क्लियर है यहाँ दुखी चाहते है, शांति हो बिचारों में पता नहीं शांति धाम किस कहा जाता है मुक्ति कहाँ होती है ये भी नहीं जानते कहने मात्र सिर्फ कह है देते हैं फलाना निर्वार गया जानते कोई भी नहीं है अब तुम बच्चे यात्रा पर हो सारा दिन मुली यात्रा 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 बाप कहते बच्चे संभल संभल कर चलना तूफान तो बहुत आएंगे याद करें कोशिश करेंगी और माया बुद्धि तोड़ देंगी तो फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है खुशी का पारा उतर जाता है नहीं तो खुशी का पारा अस्थाई रहना चाहिए इन्ना से बहरा जा देखते हैं तो खुशी कायम रहती है या तो बुद्धि योग से जानते हो राज मिलती है राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं इन आंखों से नहीं देखते हो इसलिए माया घरी घरी बुलवा देती है बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समारोह पुरानी दुनिया पुरानी शरीर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से मम्म तोड़ते जाओ एक बाप को याद करो याद करने से टूटेगा या तोड़ने से याद आएगा देखो क्या करें तोड़ने से याद आएगा या याद से टूटेगा दोनों काम करना पड़ेगा एक म्यान में दो तलवार नहीं ठहर सकती पुरानी शरीर पुरानी दुनिया सबसे मम तोड़ते जाओ बाप को याद करो पहले तुमको बाप के पास जाना है पर नई दुनिया में आना है बाप पर को याद करो पर जब हम यहाँ आएंगे वो जाएंगी प्रल उनको याद नहीं करेंगे उसको याद नहीं करेंगे अब भी हम पुरुषार्थ करते भविष्य प्रल पाने के लिए यहाँ मनुष्य पुरुषाद करते हैं यहाँ के आजीविका के लिए मनुष्य पुरस्थ आजीविका के लिए हम पुरुषाद करते हैं भविष्य के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं फिर ये कोर्स भी उठाना है नॉलेज को धारण करना है फिर तुम पुरुषाद नहीं करना होगा वहाँ तुम पुरुषाद नहीं करते हो प्रलभुत भोगते हो तुम जानते हो यहाँ भविष्य है हम भविष्य यहाँ बनाते हैं वहाँ प्रलबुद भोगेंगे वहाँ याद नहीं करती है कि हम प्रल भोगते हैं फिर पुरुषार्थ भी याद पड़े फिर पुरुषार्थ भी याद पड़े पुरुषार्थ और प्रल दोनों ही भूल जाती है शब्द भी भूल जाता है तो ये प्रल है ये भी भूल जाता है ये पुरुषार्थ है प्रल भोगते रहते हैं पास्ट का पता नहीं रहता है तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो इसको कहा जाता है क्या कहा बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो इसको कहा जाता है दर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिसमानी यात्रा का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी समझाया है जिसमानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए ये रूहानी यात्रा एक जन्म की है में जाएंगे फिर लौट कर इस तरह मृत्यु लोग में आना ही है में जाएंगे फिर वहाँ से मृत्यु लोग में आना ही अच्छा बोलो मीठे मीठे बोलो न मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रत माता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार सत्योप्रधान संन्यास सत्योप्रधान से आत्मा श्वास दोनों को पौत्र बनाना है ये संन्यास है सत्योप्रधान से आत्मा और शरीर दोनों पौत्र बनाना है पुरानी दुनिया पुरानी शरीर से में मत तोड़ देना है दूसरा त्रिकारदर्शी बन पास प्रेजेंट फ्यूचर को त्रिकालदी बन पास प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है नॉलेज को धारण कर अस्थाई खुशी में रहना है नॉलेज को धारण कर वरदान सर्वानी खजानों से संपन्न, सर्व रूवानी खजानों से संपन्न बन सदा संतुल रहने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव ऑलराउंड सेवाधारी ऑलराउंड सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता मास्टर शांतिदाता मास्टर ज्ञान दाता मैंने तो स्वरूप बोला बाबा के मास्टर ज्ञान दा सुखदाता मास्टर शांति दाता मास्टर, मास्टर ज्ञान दाता, दाता सदाई संपन्न मूर्त रहते हैं जब बाबा मुर्गी में इतनी बातें सुनाता है कितनी याद करें दाता सदा संपन्न मूर्त रहते हैं जैसे स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे रूहानी सेवादारी अर्थात रेडी और ऑलराउंडर ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे किसी भी प्रकार की अप्रापत्ति असंतुष्टता पैदा करती है संतुष्ट रहने में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना संतुष्ट रहने और करने की विधि है संपन्न रहना और दाता बनना स्लोगन शुभ भावना शुभकामना की अटेंशन प्लीज शुभ भावना शुभकामना की गोल्डन गिफ्ट साथ हो तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो अटेंशन शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट गोल्डन गिफ्ट साथ हो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते इतना बाबा सहज रास्ता बताता है पुरुषाद भी करना हो तो कैसा सेवा भी करनी हो तो कैसी ओम दादी पाओ यहाँ।